दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको यहां पे समीकरण के अंदर y को कैंसिल करके दिखाया था कि x का मान कैसे निकाल सकते हैं। मतलब पहले मैंने x का वैल्यू निकाला था और उसके बाद फिर y का वैल्यू निकाला था और उसमें y को पहले कैंसिल किया था, तो उसके लिए मैंने दोनों समीकरण को जोड़ा था। देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है दोनों समीकरण में आपको जिस भी चरमान को कैंसिल करना होगा उसमें सबसे पहले आपको उनके चिन्ह को चेक करना पड़ेगा। मतलब दोनों समीकरण में यदि उस चरमान का चिन्ह समान है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण को घटाना पड़ेगा। यदि दोनों समीकरण में उस चरमान का चिन्ह जो है वो अलग अलग है तो उसके लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो पिछली वीडियो में मैंने सेम ये एग्जाम्पल का आपको दिखाया था कि y को किस तरीके से कैंसिल करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y का चूंकि इसमें प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो इसलिए इस में क्या किया था, मैंने दोनों समीकरण को जोड़ा था। ठीक है, विपरीत चिन्ह रहने पे समीकरण को हमेशा जोड़ा जाता है और अलग अलग चिन्ह रहने पे समीकरण को हमेशा, मतलब विपरीत चिन्ह रहेगा तो समीकरण को जोड़ेंगे और समान चिन्ह रहेगा तो समीकरण को घटाएंगे। अब हम लोग इसी समीकरण में x को कैंसिल करके सबसे पहले हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, चूंकि x का जो दोनों जगह चिन्ह है वो क्या है, प्लस में है, इसलिए दोनों जगह चिन्ह जो है वो समान है। तो समान है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखने वाला हूँ, समीकरण एक तथा समीकरण दो को घटाने पर। अब देखिए समीकरण एक का LHS जो है वो x प्लस वाई इक्वल्स में कितना 10 है और इसका जो है x माइनस वाई इक्वल्स में कितना है 20, और ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए घटाने के क्रम में क्या होता है कि इसका चिन्ह जो है वो बदल जाता है। चिन्ह कैसे बदलता है ये भी लॉजिक वाली बात है, लेकिन क्या हम लोग जनरली सुनते हैं कि चिन्ह बदल जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि इस समीकरण में से यदि इसको घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो माइनस के चिन्ह से क्या करना पड़ेगा, मुझे बारी बारी से सभी पद में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या कह देते हैं कि हाँ भाई समीकरण का चिन्ह जो है वो बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो ये किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। अब ये माइनस में है तो किस चीज़ में, प्लस में। अगेन ये प्लस में है तो किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इस दोनों को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो 2y इक्वल्स में कितना, माइनस में 20 प्लस में 10, तो माइनस में 10 हो जाएगा। और यहां पे देखा जाए तो y की वैल्यू यदि निकालेंगे तो माइनस में 10 अपॉन में क्या 2, इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस में 5। मतलब इस कंडीशन में y की वैल्यू जो है वो माइनस में 5 आया था। कब, इससे पहले भी जब मैंने समीकरण में पहले y को कैंसिल किया था और x का वैल्यू निकाला था और बाद में जो अपने पास y का वैल्यू आया था वो भी कितना था, माइनस में 5 था, और अभी भी माइनस में 5 है। कहने का मतलब है कि आप चाहे तो समीकरण में किसी भी चरमान को पहले कैंसिल कर दीजिए लेकिन आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, कोई अंतर नहीं होने वाला है। अब देखिए जैसा कि मैंने y का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है तो चूंकि मुझे x की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अब इस y के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो समीकरण एक या तो समीकरण दो में पुट करके आराम से क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इस बार सेकंड वाले समीकरण में पुट कर देते हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि पहले वाले समीकरण में पुट करके निकाला था, इस बार हम लोग सेकंड वाले में करते हैं। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, y की y इक्वल्स में माइनस पांच समीकरण दो में रखने पर। देखिए समीकरण दो कितना है अपने पास, वो है एक्स माइनस वाई इक्वल्स में 20। ठीक है, अब x की जगह पे एज इट इज होने वाला है, माइनस y है तो y की जगह पे कितना वैल्यू, माइनस में 5 इक्वल्स में कितना 20। अब क्या कर सकते हैं, x और माइनस माइनस हो गया, प्लस 5 इक्वल्स में 20, इसलिए x की जो वैल्यू है वो 20 में से 5 लेस करेंगे तो कितना निकलने वाला है 15। तो इस तरीके से देखा दोस्तों आपने, चाहे तो हम लोग पहले किसी भी चरमान को कैंसिल करेंगे अपने पास आंसर में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, अब इसके अलावा भी और भी बहुत है, इसमें कहीं ना कहीं अलग अलग कंडीशन बनने वाला है। जैसा कि अभी तो सीधा सीधा था यहाँ पे कि यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, कई बार क्या होता है कि इसके गुणांक अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो कैंसिल करने के लिए आप खुद सोचिए, कोई भी यदि पद जैसे प्लस में 5x है तो उसको कैंसिल पूरी तरीके से कब कर सकते हैं, जब उसके साथ में माइनस में भी 5x होना चाहिए, मतलब विपरीत चिन्ह भी होना चाहिए और प्लस में सेम उतनी उसकी कहीं ना कहीं परिमाण भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके जो अगले वाली स्थिति या कंडीशन का वीडियोस है या कंसेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस आशा का एजुकेशन के फेसबुक पेज को फॉलो करके हमें कमेंट में
इस तरीके के कंसेप्ट को देखकर आपको कैसा लगता है, कितना समझ में आता है, और इसी तरीके के आप बाकी और भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।